Each dribble, each pass, each play is more than a game. It's a lesson of patience, perseverance, and the joy of the effort. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge, your premier destination for CBSE excellence in the region. अगर आपके पास भी गाड़ी है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 28 फरवरी के बाद बिना KYC वाले फास्ट टैगों को बंद करने का ऐलान किया है। हालांकि पहले यह तारीख 31 जनवरी तय की गई थी, लेकिन लोगों को राहत देने के लिए इस मियाद को 28 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। 28 फरवरी के बाद बिना KYC वाले फास्ट टैग बैलेंस होने के बाद भी काम नहीं कर सकेंगे, यानी उन्हें बंद कर दिया जाएगा। तो आइए इस रिपोर्ट में समझते हैं कि फास्ट टैग क्या है और KYC को कैसे अपडेट किया जा सकता है। कैसे काम करता है फास्ट टैग सिस्टम? फास्ट टैग एक इलेक्ट्रॉनिक टूल कनेक्शन सिस्टम है जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जो कि सीधे बैंक से लिंक होती है, जिसके जरिए टोल पर गुजरने वाले वाहनों का टैक्स स्कैन प्रक्रिया के जरिए चुकाया जाता है। सभी टोल प्लाजा पर यह सिस्टम पहले से ही लागू किया जा चुका है। वाहनों की विंड स्क्रीन यानी मुख्य शीशे पर लगाए गए इस फास्ट टैग से वाहन सवार अपना टोल टैक्स चुकाते हैं, जिससे टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतारों के साथ समय की बचत होती है। क्यों जरूरी है फास्ट टैग की KYC? आइए अब समझते हैं इसे अपडेट करने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल NHAI ने पिछले दिनों एक गाड़ी एक फास्ट टैग की प्रक्रिया को शुरू किया गया है, यानी कि एक गाड़ी के लिए एक ही फास्ट टैग जारी किया जाएगा। ये फास्ट टैग जिस गाड़ी के लिए जारी होगा उसी के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकेगा। बिना KYC वाले फास्ट टैग जारी करना RBI के नियमों की नाफरमानी है, इसलिए KYC को अनिवार्य किया गया है। घर बैठे करा सकेंगे फास्ट टैग KYC? आपको बताते हैं कैसे आप घर बैठे अपनी गाड़ी के फास्ट टैग की KYC अपडेट कर सकते हैं। KYC के लिए सबसे पहले आपको fasttag.ihmcl.com पर जाना होगा। ओपन होने वाले पेज पर लॉगिन करना होगा। इसके बाद फास्टैग पर रजिस्टर्ड नंबर और पासवर्ड से लॉगिन किया जाएगा। यदि आपके पास पासवर्ड नहीं है तो रजिस्टर्ड नंबर के जरिए OTP भेजकर भी लॉगिन किया जा सकता है। फिर माई प्रोफाइल पर जाकर KYC को अपडेट कर सकेंगे। इसके लिए ID व पते का प्रमाण पत्र, वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होगी। साथ ही KYC प्रक्रिया को ऑफलाइन भी अपडेट किया जा सकता है, जिसके लिए आपको फास्टैग जिस बैंक का है उसकी ब्रांच में जाकर अपडेट कराना होगा। किसी भी जानकारी के लिए नजदीकी टोल प्लाजा पर भी संपर्क किया जा सकता है। साथ ही टोल फी नंबर 1033 पर भी कॉल कर जानकारी ली जा सकती है। सबमिट किए गए दस्तावेज सही होने की दशा में 7 दिनों के भीतर KYC अपडेट हो जाएगा। आपके फास्टैग का स्टेटस माई प्रोफाइल पर जाकर देखा जा सकता है। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।